Hey guys, this is Pratibha and you are watching PT Dunia. तो आज जिसमें मेरी एक्शन वीडियो देने जा रही है वो है MC Insane का ट्रैक आ चुका है और इसके लिए मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्टेड आ रही थी कि आप इसके ऊपर प्लीज़ रिएक्ट कीजिए. सो फाइनली आज जिसमें मेरी एक्शन देने जा रही है वो है MC Insane का ट्रैक फील मी. और बात की जाए ट्रैक के टाइटल के ऊपर तो फील मी लाइक हो सकता है कि उन्होंने कुछ अपना एक लाइफ का एक फेज में बता रखा होगा इस ट्रैक के थ्रू. और ट्रैक की बात की जाए तो लिरिक्स हैं वो MC Insane के हैं, म्यूजिक प्रोड्यूस बाय क्रिस्टो, मिक्सिंग बाय क्रिस्टो, मास्टरिंग इंजीनियर एंजल एंड ऑल. और जब मैंने डिस्क्रिप्शन पढ़ा और कमेंट्स पढ़े तो कमेंट्स में MC10 का भी कमेंट डाला हुआ है और डिस्क्रिप्शन में इन्होंने जिस तरीके से मेंशन कर रखा है कि इन्होंने अपने फ्रेंड को परफॉर्मेंस के टाइम पे खो दिया था और फिर कैसे उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी स्टेज पे रोते रोते, तो उन्होंने बस एक लाइफ का वो वाला फेज इस ट्रैक के थ्रू हम लोगों को बताना चाह रहा है. और जो इनके फ्रेंड का नाम था वो था किंग रैप रेबिया. मुझे नहीं पता मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रही हूँ कि नहीं, बट रेबिया ही शायद है, रेबिया ही है जिनको बारे में अभी तक वैसे मैंने नहीं सुना है, बट हो सकता है कि मैं इनके बारे में और जानूंगी तो मुझे धीरे धीरे पता चलेगा. सो लेट्स बिगिन इट. तो फ्रेंड अब इसका चलता है पीटी की दुनिया से MC Insane की दुनिया में. लेट्स गो. भाई बोला आएगा वो मेरे शो पे, भाई मेरा चल बसा पहले ही शो से, भाई ने अपनी छाप छोड़ी, भाई ने अपनी सांस छोड़ी, भाई तेरा स्टेज पे चढ़ा था रोके भटका में रास्ता. कंट्रोल. जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था लाइक ट्रैक का टाइटल देख के कि फील मी है ट्रैक का टाइटल, और अभी सिर्फ मुश्किल से 4 लाइनें हुई है और इसमें उन्होंने वो वाला फेज हमें किस तरीके से बताने की कोशिश कर रखी है वो सिर्फ 4 लाइनों को सुन के ही, मतलब बोलते ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज़्यादा बकचोदी नहीं करनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है कि यार भाई मेरा मेरे साथ था. और सुनो यार. भाई बोला आएगा वो मेरे शो पे, भाई मेरा चल बसा पहले ही शो से, भाई ने अपनी छाप छोड़ी, भाई ने अपनी सांस छोड़ी, भाई तेरा स्टेज पे चढ़ा था रोके भटका में रास्ता, हाथ मैंने काट ली वो देते काली रातें, उन रातों को मैंने काट ली, अब चाहिए मुझे वो जो लगे ना मुमकिन, बनते स्वीट मेरे पीछे हुए नमकीन, खाली था पेच मारा मैंने डॉट अपने जोन का मैं किंग. एक लाइन थी आगे मेरे स्वीट पीछे मेरे नमकीन, चढ़ा था रोके भटका में रास्ता, हाथ मैंने काट ली वो देते काली रातें, उन रातों को मैंने काट ली, अब चाहिए मुझे वो जो लगे ना मुमकिन, बनते स्वीट मेरे पीछे हुए नमकीन, खाली था पेच मारा मैंने डॉट अपने जोन का मैं किंग, मुझे कहो आर्नोल्ड एक में हूँ पागल और भाई मेरा शैतान, भाई कहता गाने को बीच पर ना ईमान, सुनी मैंने एक मैं हूँ पागल दूसरा मेरा भाई शैतान. नाइस. स्वीट मेरे पीछे हुए नमकीन, खाली था पेच मारा मैंने डॉट अपने जोन का मैं किंग, मुझे कहो आर्नोल्ड एक में हूँ पागल और भाई मेरा शैतान, भाई कहता गाने को बीच पर ना ईमान, सुनी मैंने भाई की I know you don't like me, no hope I have defense, जब अटैक था एंजाइटी फील्स मैंने भाई की, बॉन्ड देखा भाई की, वो जाएगी अपने घर पर वो दिल से नहीं जाएगी, मेरे लिए एंजल पड़ी तेरे भाई की, मैं मिला स्टैंड से जली मेरे भाई की, मैंने डाला मैंने निकलने के लिए पिल्स खाई थी, खुद को बाहर निकालने के लिए पॉर्न ये सब देखा था, और जब मैं स्टैन से मिला तो उसकी जली थी. ओके गॉट इट. फायर डिफेंस जब अटैक था एंजाइटी पिल्स मैंने बाय की, पॉर्न देखा बाय की, वो जाएगी अपने घर पर वो दिल से नहीं जाएगी, मेरे लिए एंजल पड़ी तेरे भाई की, मैं मिला स्टैन से जली मेरे भाई की, मैंने डाला फोटो लिखा हैशटैग चलो मत मत करो ऐसा जो वाइब तोड़े भाई की, भाई को मैंने मारा उसको रास्ता दिखाना था, लाइफ पे था पर्दा उस पर्दे को उठाना था, भाई लोग मेरी जान है वो करते मुझे फील बहुत, भाई लोग को पता भाई कल का उजाला था, फोन करके उसको बोला मैंने बहुत कुछ, बात करूं उससे तो मन मेरा बहुत खुश, जो भी सही है. आज कल होता रिग्रेट, चाहिए छोटा रिचार्ज जलाया सिगरेट, फर्क नहीं पड़ता वो क्या करती फील, फक माय ईगो में दे बैठा दिल, वो करके इग्नोर करती है चिल, मैं लेके एक जॉइंट चला टॉप ऑफ द हिल,
फिर देखा नीचे वो अभी वही थी, बातें जो कहती वो शायद सही थी, कहती वो लेट मी बी अगले इन पीस, पर तू कोई ट्रिप नहीं ना कोई चीज, थोड़ा वो मेरे लिए सब कुछ, मैं और मेरा भाई भी प्ले द गेम लाइक लव कुश, मरने का भी खौफ नहीं जब हंसते मेरे भाई लोग, कुछ साथ मेरे साथ थे जो देते नकली डायलॉग, और कुछ मेरे भाई जो फंसे पड़े ड्रग्स पे, उन्हें तुम बचा लो ऐसा कहता हूँ मैं रब से, उन्हें लगे ट्रिप जब माल उनके पास नहीं हुई। Oh my God, next level of depression. Totally, जिस तरीके से ये explain कर रहे हैं like अपनी उस life का वो phase कि मैं गया था ऊपर फिर भी वो दिख रही थी मुझे अभी भी नीचे, और जब मैं मिला था MC Stan से तो मेरे भाई की जल्दी थी तो मैंने देखा कि hashtag जलो मत, और हम लोगों की story ऐसी जैसे कि हम हैं लव कुश, और मेरे को उससे बात करके एक्चुअली अच्छा लगता था, और हम जब शेयर करते थे चीज़ें लाइक आप लेवल ऑफ फ्रेंडशिप समझ रहे होंगे कि ये लाइफ में सबकी फेज में आता, मतलब ये सबकी लाइफ में आता है ये वाला फेज, कि जब एक बोलते ना कि सबके दोस्त होते हैं यार, सबको पता है किस बारे में क्या क्या हो रहा है, और वही चीज़ उन्होंने अपने ट्रैक के थ्रू हम लोगों को बताना चाहा है, और फिर ड्रग्स की इन्होंने ड्रग्स के बारे में कहा कि लाइक कैसे ड्रग्स ले रहे थे, और फिर जब उनको लगती थी ड्रिप तो एंड ऑल सुनो फिलहाल तो कुछ आप मेरे साथ थे जो देते नकली डायलॉग, और कुछ मेरे भाई जो फंसे पड़े ड्रग्स पे, उन्हें तुम बचा लो ऐसा कहता हूँ मैं रब से, उन्हें लगे ट्रिप जब माल उनके पास नहीं हुई, उसकी मौत ओवरडोज लास्ट हफ्ते, लेफ्ट माय कॉलेज लाइफ ने दी कोचिंग, टू फेस्ड लोगों के लिए मैं बहुत बोरिंग। ओके गॉट इट। इनका जो फ्रेंड था रेबिया किंग, वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि एमसी इनसेन हम लोगों को एक तरीके से एक मैसेज दे रहे हैं कि किस तरीके से उनके भाई की लाइक उनके फ्रेंड की जो डेथ हुई है वो ओवरडोज के कारण हुई है, तो एक तरीके से हम लोगों की यूथ जनरेशन के लिए एक तरीके से मैसेज ही है ये हम लोगों के लिए कि लाइक संभल जाओ, अभी भी टाइम है, संभल जाओ और संभाल लो अपने यार को, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी मैं। मेरे भाई लोग कुछ आप मेरे साथ थे जो देते नकली जो होता है वही सब समझता है, ड्रग्स पे उन्हें तुम बचा लो ऐसा कहता हूं मैं रब से, उन्हें लगे ट्रिप जब माल उनके पास नहीं हुई, उसकी मौत ओवरडोज लास्ट हफ्ते, लेफ्ट माय कॉलेज लाइफ ने दी कोचिंग, टू फेस्ड लोगों के लिए मैं बहुत बोरिंग, पर बदला नहीं खुद को मैं लाऊंगा बदलाव, तब तक मत पूछो मुझे कैसे हो आप, 10 दिनों में ये बैंक बैलेंस हो जाती हाफ, पर मांगता नहीं पैसे मेरे रूल्स के खिलाफ, मैं गिर नहीं सकता हूँ खुद के नजर में, पेट में निदाना पर आंसू नजर में, सिटी में इमोशंस बिक चुका कप का, पुलिस दादागिरी और उनको भी देता हफ्ता, मैं नहीं करता डील तो कैसे निकलता खर्चा, कुछ दोस्त करते दुआ ये जल्दी क्यों नहीं मरता, सभी की वजह से और एक मौका मिला, मैं लेके अपना फोन लिख डाला असलियत, कोई मेरे आंसू पोछे ऐसा कोई नहीं मिला, मैं देता हूँ प्यार तुम देखते हो नियत, नो रैपर वाला शिट उससे पहले हम सब भाई, दोनों मेरे भाई मेरे कभी पीजी पे आए, अटेम्प्ट करने चला था फिर से सुसाइड, फिर दोनों ने बचाया आज जिंदा मैं भाई, मेरी बेस्टी से प्यार फीलिंग से प्योर, नॉट लाइक योर एक्स वो बंदा एक और, मेरे जीएफ थे बहुत ये सब एंटरटेनमेंट, हजारों के बीच में चला तेरे और, अब नहीं कोई क्लोज वो पहले मेरे साथ थी, दूर के यार से वो भला मेरा चाहती, और ये enough the time a bit tough feelings one sided सब एक तरफ feel me तुम करो ना feel मुझे feel me सो फाइनली द ट्रैक इज़ ओवर गाइस, और एक्चुअली बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रैक था मेरे लिए, मेरे साथ ऐसा कुछ सीन नहीं है, बट हम सबकी लाइफ में ये फेज़ आता है कि हमारे फ्रेंड्स लोग कभी गलत संगत में पड़ जाते हैं, हम कोशिश करते हैं उन लोगों को निकालने की बट नहीं हो पाता है पॉसिबल ये सब चीज़ें, और उन्होंने इतना क्लोज अपने फ्रेंड्स के इतने क्लोज होने के बाद उन्होंने वो चीज़ सहन करी है। आई डोंट थिंक कि यार ब्लड रिलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी हमारे लिए फ्रेंड्स ज़्यादा मायने रखते हैं, तो वही चीज़ था एमसी इनसेन के साथ कि उन्होंने अपने फ्रेंड को सिर्फ ड्रग्स एब्यूज़ के कारण ही उनको खोया है, और समझ जाओ। सो ट्रैक बहुत अमेजिंग है,
और हम लोगों के लिए एक तरीके से एक मैसेज है, हम लोगों को बताता है ये चीज़ कि अभी भी संभल जाओ, टाइम है, और दोस्तों को भी संभाल लो जो लोग अभी भी बुरी संगति में इन सब चीज़ों में पड़े हुए हैं, निकल जाओ भाई लोग, क्योंकि टाइम है तो बहुत कुछ सीख सकते हो आप लोग, नहीं तो फिर जब चीज़ें हाथ से छूट जाएगी तो कुछ नहीं हो पाएगा. सो जस्ट नो वर्ड्स. ट्रैक बहुत ज़्यादा इमोशनल है, हमने एक्चुअली उन चीज़ को फील करा, लिरिक्स बहुत ज़्यादा ऊप्स है और हर चीज़ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड की गई है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसा रोल 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 करके कहा है. और मैं इस ट्रैक को एक्चुअली लूप में सुनने वाली हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सिर्फ लूप में चलेगा मेरे अब म्यूजिक लिस्ट में. और अगर आपको इस पर मेरा रिएक्शन वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गाइस जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल और लाइक करना प्लीज़ मत भूलेगा. और अगर यही मैसेज आप अपने फ्रेंड्स को, मेरे ख्याल से आप इस बस ट्रैक को फैलाओ, क्योंकि जहाँ तक फैलेगा, लड़के मोस्टली गलत संगत में होते हैं, तो मैं उन्हीं के लिए सिर्फ मैसेज है कि देख लो यार, संभल जाओ, कुछ नहीं कहूँगी इससे आगे मैं. तो आपको इस पर मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा जस्ट कमेंट डाउन, और कमेंट करके मुझे बताना आपको सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा और नेक्स्ट वीडियो आप किसके ऊपर देखना पसंद करेंगे. अगर आपको मेरा रिएक्शन वीडियो पसंद आता है तो जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ऑन स्क्रीन में है, डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए और मुझे फॉलो करते रहिए. और तब तक के लिए इस रहिए, मुस्कते रहिए और मेरे साथ बने रहिए पीटी की दुनिया में. तब तक के लिए बाय बाय.